यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Does the phrase direction of zero vector have physical significance? Discuss in terms of velocity, force, etc. नहीं है ना, मतलब zero vector का कोई ऐसा नहीं है direction, हम बोलते हैं ना zero vector का direction defined नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसको discuss करने के कई तरीके, फिर इसको बनाया ही क्यों, इसको फिर अपन ने बनाया ही क्यों। हाँ देखो, जैसे displacement या force के टर्म में समझ सकते हो, अगर इधर पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, इधर पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेट से दिस इज F1 वेक्टर, दिस इज F1 वेक्टर एंड दिस इज योर F2 वेक्टर, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या होगा, वी विल से नेट फोर्स इज नथिंग बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो अगला वेक्टर ही आएगा ना, पर हम जानते हैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज जीरो वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर बोलते हैं ना, तो इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, बस जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है इसके लिए इसे रखा गया है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना। अब लोग इसमें इससे ज्यादा मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते तो नहीं, इसमें इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है ना, अगर मैं 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, इट इज जीरो वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका आंसर भी जीरो में आएगा, इसलिए हम इसको वेक्टर बोलते हैं, इसका इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, अगर इससे ज्यादा मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें नहीं है,